स्नेहा ठक्कर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर आप कितने टाइम से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 3 वर्ष से सक्रिय यूथ कांग्रेस की राजनीति में हूं, लेकिन मेरा परिवार पिछले 42 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, मेरे दादाजी के टाइम से, और मैं वर्तमान में यूथ कांग्रेस दिल्ली का महासचिव हूँ और संगठन प्रभारी भी हूँ कांग्रेस दिल्ली। अच्छा, और सर जैसे कि आपको पता है केजरीवाल जी ने वादे करे थे कि वो सब्सिडीज देंगे और नए स्कूल और हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या वो हुआ है? देखिए सबसे पहले फ्री की राजनीति जो केजरीवाल जी ने शुरू करी है, इसका दिल्ली के वासियों पर बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। ये सारा फंडिंग सब्सिडी में देकर ना तो हेल्थ केयर में पैसा जा रहा है, ना एजुकेशन में इतना कुछ कर पा रहे हैं, सिवाय के 10-20 स्कूल कॉलेजों को चमका के वो तरक्की नहीं है, नया निर्माण कुछ भी नहीं हुआ है, पॉल्यूशन पे केजरी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हॉस्पिटल के नाम पे भी सिर्फ डिस्पेंसरीज खोल दी हैं जिनको इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया है, क्रोसिन और पैरासिटामोल से ज़्यादा वहाँ इलाज नहीं है, तो ये सब लोगों को भ्रमित करके और सत्ता में बैठे हुए हैं केजरीवाल जी। अब आने वाले MCD में चुनाव में आप देखिएगा, हम कोरोना को, पॉल्यूशन को और गंदगी को मुद्दा बना के और इनको परास्त करने का काम करेंगे। सर जैसे अब आपने पॉल्यूशन की बात की, तो मेरा ये सवाल है कि ना अब जैसे दिल्ली में धीरे धीरे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई स्टेप्स उठ रहे हैं? स्टेप्स केजरीवाल सरकार ने वादे किए थे कि हम स्मॉग टावर लगाएंगे और इनने वो स्प्रिंकलर मशीन्स ला के स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी से ट्यूनिंग करके कोई ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी समस्या नहीं है। तो फिलहाल तो आप देख रहे हैं 8 साल में पॉल्यूशन का क्या बुरा असर है जो आज से पहले कभी नहीं रहा, तो ये पूरी तरह से विफल रही है सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने। शीला दीक्षित सरकार में कभी हमने ये सुनने में नहीं आया था कि यमुना नदी का इतना बदतर हालात है जो अब है, इतनी गंदी दिल्ली कभी भी नहीं सरकार रही है, और MCD भी चुनाव भी हम शीला दीक्षित के कार्यों को ध्यान में रखकर और उनके उसको आगे लेकर जाएंगे। सर और जैसे आपने MCD इलेक्शंस का बोला, MCD इलेक्शंस में आपको क्या लगता है कांग्रेस किस पार्टी से थी के साथ लड़ाई होगी, BJP या आम आदमी? कांग्रेस के सारे कैंडिडेट बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में उतारे जाएंगे, जो कि बहुत ही कड़ी टक्कर देकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लेकर आएंगे। और मान लो कि इस पर आज की परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस का लोगों से अभी टूट गया है, उसको हम कनेक्ट करने की, दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और सरकार MCD में ना भी आए तो इतना हम वोट शेयर जरूर लाएंगे कि हमारी मिले बिना कोई MCD में सरकार ना बना पाए। सर थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको आने वाले इलेक्शंस के लिए। आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अगर एक्टिव पॉलिटिक्स की खुद की बात करूं तो 6-7 साल हुए, लेकिन पीछे से मतलब फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी कांग्रेस। और सर जैसे कि आपको पता है MCD के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस 250 वार्ड में से कितनी सीट जीत सकती है? मैम वैसे काउंसिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो जो लोकल मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे के चुनाव जो वोट होगी वो लोकल मुद्दों पे ज़्यादा पड़ेंगी, लेकिन ये है कि अभी इतनी सीटें तो एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होगा मेयर जो बनेगा बिना कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के नहीं बनते। और सर जैसे कि आपको पता है BJP ने पिछले महीने में 3 बार दूध तेल और बाकी खाने की चीज़ों पर जो GST लगा दिए, मैम इस बात में मतलब एक बात बिल्कुल साफ है कि BJP कहती कुछ है और करती कुछ है, मतलब ये दिखाते हैं कि पॉपुलिज्म की पॉलिसीज हमारी हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, या फिर ऐसा मतलब मीडिया से परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं लोगों के बारे में, लेकिन धरातल पर अगर आप बात करोगे, सर्वे करोगे जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। मतलब कोई भी किसी भी तरीके का जो मतलब रियायत जो देनी चाहिए जिसको सपने ये जो दिखा दिखा के 2014 में सत्ता में आए थे, तो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है।
ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन वो कोविड के टाइम पे बीजेपी ने वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करे और ऐसे, मैम बीजेपी ने कहाँ प्रोवाइड करे, उनके तो जो नेशनल प्रेसिडेंट थे उनके युवा मोर्चा के, वो खुद जाके हॉस्पिटल्स में हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। हमारे जो यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीनिवास जी ने खुद जा जाके ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर पहुंचाए, तीसरी चौथी मंजिल पे पहुंचाए, सिंगू बॉर्डर पे हमारे लंगर चले, हर बॉर्डर पे हमारे लंगर चले, हमने पूरी कोशिश करी वो रेमडेसिविर पहुंचाने की जितनी भी हमसे मतलब हो सका, हमारी खुद की ऐसे हेल्पलाइन थी IYC की, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर इतना सब कुछ सरकार कर रही थी तो सोनू सूद और श्रीनिवास जी जैसे जो जो लोग मतलब जिन लोगों ने मेहनत करी है उन मजदूरों को महाराष्ट्र से यहाँ तक लाने में या फिर उनके घरों तक पहुँचाने में, तो हमारी तो कोई जरूरत नहीं थी ना। अगर अगर सरकार खुद इतना जिम्मेदारी लेके काम कर रही थी तो हमारी क्या जरूरत थी, उनके तो खुद वो तेजस्वी सूर्य वहाँ जाके हिंदू और मुसलमान देख रहे थे हॉस्पिटल में, वो सबको पता है, देख जाहिर बात है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। अगर अब हम मुसलमानों की बात करें तो मैं पूछ लेती हूँ कि ना अब जो आर्टिकल 370 था वो जो कश्मीर वाला, उधर अभी भी न्यूज आ रही है अभी भी हिंदू मर रहे हैं वहाँ पे। मैम ये बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जो यूज करती है हिंदू मुस्लिम का, सबसे पहली बात तो किसी भी नेशन के लिए ना पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो ब्लेंड है वो बहुत खतरनाक है। पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज है और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, बाकायदा प्रीएम्बल में है कि सेक्युलर कंट्री है, सोवरियन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जो ब्लेंड है ना वो बहुत खतरनाक है। तो बीजेपी सेम टू सेम उसी पिच पे खेल रही है, तब से खेल रही है 2014 से 2012 से, उससे पहले एक बड़ा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, दुनिया भर के घोटाले आए कि ये हुआ है वो हुआ है, उसके बाद फिर सबको पता है कि जिन लोगों ने वो आरोप कांग्रेस पे लगाए थे उसके बाद फिर माफी भी मांगी उन्हीं लोगों ने। अभी वो प्रचार तो बहुत बड़ा हो गया, वो जो 4-5 लोग थे उस टाइम बहुत बड़ा प्रचार किया कि भाई कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, देश को ये कर देंगे देश को वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने माफी मांगी तो किसी मीडिया हाउस ने दिखाया ही नहीं। तो जो बीजेपी है वो सिर्फ मीडिया को मैनेज करना जानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 370 आज भी इम्प्लीमेंटेड है, 370 के अंदर जो पावर्स थी उनको यूज करके कुछ प्रावधान 370 के खत्म किए गए हैं और 370 आज भी है संविधान में, ऐसा नहीं है। वो तो मतलब एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो फेक न्यूज फैक्ट्री जो चला रहा है वो अमित मालवीय, उसके हिसाब से मतलब लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या खत्म हो गया 370, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सर अगर आप केजरीवाल जी की बात करो तो उन्होंने भी तो वादे करे थे कि वो सब्सिडीज देंगे, न्यू हॉस्पिटल्स खोलेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस खोलेंगे। हाँ तो आप ही बताओ कितने खुल गए, कितने कॉलेज कितने स्कूल खुले। लेकिन वो तो यही कहते हैं ना कि दिल्ली अब अच्छी हो गई है। नहीं दिल्ली अच्छी, दिल्ली नहीं नहीं डेवलपमेंट कहाँ हो गई, दिल्ली जो पहले आती थी ग्रीन कैपिटल में आती थी, वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट कैपिटल्स में से एक में आती थी। अभी आप सुबह अपने घर से आए होंगे तो चोकिंग हो रही है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, कितने कॉलेज और स्कूल खुले आपको खुद पता है ना। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने जितने काम किए थे, जितनी बिल्डिंग्स बनाई थी, उनपे लाल पत्थर लगाए और सफेद व्हाइट वॉश हुआ है और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। आपने आज से पहले इस देश में कभी उदाहरण सुना था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वही लेकर पॉलिसी डिसाइड कर रहा है किसी स्टेट की? मनीष सिसोदिया पे आरोप है ना, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है ना, ठीक है, और सुकेश को इन्होंने वो बोला है ना कि 10 करोड़ रुपए दे के अंदर मसाजे ले रहे हैं ना लोग, तो सीधी सी बात है। सेक्स स्कैंडल में इनके विधायक का नाम आया था संदीप सिंह का, राशन कार्ड बनाने के उसमें, तो ये राशन कार्ड ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब आप बीजेपी और केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे हो, तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तभी राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले तो वो नहीं हुआ था। मैडम वो पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, वो इस देश को जोड़ने की यात्रा है। बीजेपी ने जो गड्ढे एक भाई और दूसरे भाई के बीच में किए उस गड्ढे को भरने की यात्रा है, वो पॉलिटिकल यात्रा बिल्कुल नहीं है। वो जब यात्रा उसका समापन होगा तो आप देखना इस देश की राजनीति, इस देश की जो सामाजिक समरसता है वो अलग निखर के आएगी। वो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं था ना, अब इलेक्शन सारे तब वो है। नहीं तो अब इतने बड़े इलेक्शन, अगर दिल्ली के इलेक्शन को हम पॉइंट करें तो वो मतलब अगर हम दिल्ली के इलेक्शन को लेके चल रहे होते तो वहां से थोड़ी ना केरल से शुरू करते, वो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखो ना उसको, वो बड़ी यात्रा है। वहां से कोई आजकल कोई भी मतलब 3,570 किलोमीटर कोई प्लेन से भी जाना प्रेफर नहीं करता। अब एक आदमी अगर सड़कों पे चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों के दुख दर्द बांट रहा है, इस देश की संस्कृति इस देश के रंग जो है वो देख रहा है, तो सीधी सी बात है कुछ तो उसका लार्जर पर्सपेक्टिव ने उसने सोचा होगा ना। तो अगर ऐसे तो फिर मैं बात करूं, अगर दिल्ली के चुनाव की बात करूं फिर वो गुजरात है, गुजरात में नहीं जा रहे वो, तो कल को यूं कहने लगे गुजरात नहीं जा रहे। केजरीवाल जी भी गुजरात में, क्योंकि इलेक्शन सारे केजरीवाल जी कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ आप मेरी बात तो सुनो, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतने के परिस्थिति में है ना, वहाँ वहाँ केजरीवाल बड़ा बबल बना के मीडिया का बहुत बड़े तरीके से प्रचार कर रहे हैं।
हाथ कुछ नहीं लगना, चुनाव जो जीता जाता है वो संगठन से जीता जाता है। गुजरात इतना बड़ा स्टेट है कि आज तक जो दूसरी पार्टियां हैं उनके भी संगठन पूरे बूथ एजेंट को बना नहीं पाते। अभी 2-3 साल में आप 1.5 साल पहले वहां पहुंच गए, हर हफ्ते जाके बबल क्रिएट कर रहे हो, चुनाव वो बना रहे हो, मीडिया में ये कर रहे हो, ये कर रहा है वो कर रहा है, केजरीवाल क्या कर रहा है, देख लेना जब रिजल्ट आएगा क्या कर रहा है केजरीवाल। लेकिन बस बात यही है कि इलेक्शन से अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए वो ऐसे करते हैं। तो और किस लिए कर रहे हैं इलेक्शन? वो उनको खुद, वो बीजेपी और आरएसएस, ठीक है, और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो पपेट है आरएसएस, ठीक है। अभी जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहीं क्यों जाते हैं? चुनाव तो ये पहले भी लड़े थे, चुनाव पहले भी लड़े थे ना, ये उड़ीसा में अभी वो उपचुनाव हुआ वहां तो नहीं चुनाव लड़े, वहां क्यों नहीं लड़े? मतलब तो जैसे यूपी और ये गुजरात है जहां पे मेन मिलते हैं तो वहीं पे केजरीवाल गए हैं, तो यूपी में लड़े थे ना चुनाव, वही ना 400 के करीब, 350 के करीब जमाना जब हुई ना, वही है ना बात। यहाँ बैठे कुछ भी कर लो, वादा इसने अपने बच्चों के सिर पे हाथ करके वो रख के वादा किया था कि मैं ये सुविधाएं नहीं लूंगा, और क्या कहते हैं ये लाल बत्ती कल्चर खत्म होना चाहिए, यमुना जी साफ हो जाएंगी, दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उस पर ब्लेम करता था भाई स्टबल बर्निंग जो हो रही है क्या कहते हैं पंजाब में, उसकी वजह से दिल्ली की में इतनी चोटिंग हो रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। तो अभी क्या है, अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी तो इनकी सरकार है खुद की। अब आपने पंजाब बोला तो मैं पूछती हूँ कि ना पंजाब में पहले कांग्रेस जैसे जीतती आ रही थी, अब धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है। मैडम कम कुछ नहीं हो रहा, बस ये है कि आदमी को जब कुछ नया दिखता है ना तो वो सोचता है ये नया खिलौना इसे ट्राई करके देखता हूँ, तो वो नया खिलौना भी ट्राई कर रहे हैं पंजाबी, ठीक है। उनको नया खिलौना खरीद तो लिया, अब उन्होंने वादा किया था कि कंपेंसेट करेंगे किसान जो थे, अभी भगवंत मान साहब के घर के सामने वो धरना दे रहे हैं दोबारा बैठ के, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग दोबारा शुरू हो गई है, नशा दोबारा शुरू हो गया, ठीक है। अभी पिछले दिनों शिवसेना के किसी नेता की दिनदहाड़े गोली मार के हत्या कर दी, उसमें जा रहा है ना पंजाब, उस स्थिति में जा रहा है ना, तो वो पंजाब सफर कर रहा है, लेकिन ठीक है देखते हैं कब तक ये चलता है बबल। अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं तो फिर ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, पानी का बुलबुला फूटेगा जरूर। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया, और आने वाले इलेक्शंस के लिए ऑल द बेस्ट।